दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, पानी, जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। और यहां रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। यहां तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी ये कभी सवाल आया है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसे दिखती होगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के रियल वीडियो और फोटोज दिखाकर बताएंगे कि आखिर उनकी जमीन कैसी है और क्या वहां पर भी मिट्टी है, पत्थर है, धातु है या कुछ और। और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वहां पर भी वायुमंडल मौजूद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे कुल 8 ग्रह हैं और उन सभी के कई चांद भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कुछ पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह हैं तो कुछ गैसीय ग्रह हैं जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इन गैसीय ग्रहों के कुछ चांद पर जीवन मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के इन 8 प्लैनेट्स का सफर। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य के बिल्कुल नजदीक मौजूद यह ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है, जिनके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है और इसमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े होने के साथ कई किलोमीटर गहरे भी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की बुध ग्रह की सतह पर टक्कर होती रहती है, जिस वजह से इतने बड़े गड्ढे बने हैं। अगर आप बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी दिखेगी। बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है और इसकी सतह पर मिले सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 1550 किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास होने और वायुमंडल ना होने की वजह से बुध ग्रह पर तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन के समय बुध ग्रह का तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात को इसका तापमान गिरकर -176 डिग्री तक चला जाता है। यानी कि इंसान किसी भी वक्त बुध ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो वह बुध पर 38 किलो ही होगा। चलिए अब बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही बुध ग्रह सूरज से ज्यादा नजदीक हो, लेकिन उसके पास खुद का वायुमंडल ना होने की वजह से उसकी सतह पर सूर्य की गर्मी टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है, जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड की इस मोटी परत की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इन कारणों की वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात दोनों वक्त 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से इसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखियों के ऊपरी हिस्से को देखा जा सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र पर 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है, जिनमें से कई ज्वालामुखियां सक्रिय हैं। इसी वजह से शुक्र ग्रह की सतह का 60% हिस्सा इन ज्वालामुखियों से निकली लावा और बाकी 40% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है। वीनस प्लेनेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना अधिक है, जिस वजह से यहाँ चलना भी मुश्किल है। और अगर इंसान ने नंगे पैर शुक्र पर कदम रख दिए तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टानों की गर्मी से उसका शरीर कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाएगा। शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी सतह तो हम रोज देखते हैं। इसलिए चलिए सीधा चलते हैं पृथ्वी की चंद्रमा पर, जो पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम की इकलौती ऐसी सतह है जहाँ पर इंसान कदम रख चुके हैं। चंद्रमा की सतह काफी ऊबड़ खाबड़ है और इस पर कई बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। चांद के पास खुद का वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ इंसान स्पेस सूट के बिना जीवित नहीं रह सकता।
चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की सैर पर। पृथ्वी के बाद सूर्य से चौथे नंबर पर आने वाली इस प्लेनेट की सतह लाल रंग की है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफी अधिक मात्रा में आयरन और अन्य धात्विक खनिज पाए जाते हैं और इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है, जिसकी वजह से सूरज की ज्यादातर गर्मी सतह से टकराकर फिर से अंतरिक्ष में चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल ग्रह पर आयरन की धूल से भरी आंधी के बवंडर चलते हैं। तापमान की बात करें तो सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री तक रहता है, पर इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 130 डिग्री तक जा सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर कई धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मानो पहले यहां जल का प्रवाह होता हो और उसी से धारियां बनी हो। मंगल ग्रह की इस सतह को देखकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहां जीवों की बस्ती जरूर रही होगी, जिसका किसी कारणवश विनाश हो चुका होगा। खैर, अगर आप जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं, तो आप एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी शुद्ध ग्रह पट्टी के अंदर होने की वजह से इन चारों को इनर प्लेनेट यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन चारों ग्रहों की जमीन चट्टानी है। खैर चलिए अब सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार करते हुए आउटर प्लेनेट्स यानी कि बाहरी ग्रहों पर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों इस ग्रह को गुरु ग्रह या गैस जायंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ कोई ठोस सतह नहीं है बल्कि यह ग्रह पूरी तरह से गैस और तरल पदार्थों से बना है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसका वायुमंडल एक चौथाई हीलियम द्रव्य के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, जो नजदीक से देखने पर तूफानी बादलों के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल में आने वाले बाहरी उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है और अगर ऐसा ना होता तो शायद वे उल्कापिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से टकराकर भारी तबाही मचा देते। इसी तरह साल 1994 में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा था, लेकिन बृहस्पति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और एक भयंकर विस्फोट के बाद सब शांत कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की। इसके चारों ओर एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है, जो जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानों के टुकड़ों से बनी है। जब ये बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकती हुई नजर आती है। शनि भी एक गैसीय ग्रह है, जिसका वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया और इथेन जैसी गैसों से बना हुआ है। इस ग्रह पर भी ठोस जमीन नहीं है, इसलिए हम इस ग्रह पर कदम नहीं रख सकते। जैसे जैसे शनि ग्रह के वायुमंडल में नीचे जाया जाता है, वैसे वैसे इसमें मौजूद हवाओं की रफ्तार तेज होती चली जाती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह पर बहने वाली हवा की रफ्तार 18 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलती है। इसलिए किसी भी स्पेस मिशन को इस ग्रह के पास तो भेजा जा सकता है, लेकिन इस गैसीय गोले के ज्यादा अंदर भेजना नामुमकिन है, क्योंकि ये हवाएं कुछ ही सेकंड्स में स्पेसक्राफ्ट के चिथड़े उड़ा देंगी। चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की। जुपिटर और सैटर्न की तरह यूरेनस भी एक गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। इस ग्रह के पास 27 चंद्रमा है और यहाँ एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे की होती है। यूरेनस पर मौजूद सूर्य से आने वाली लाल किरणों को अब्सॉर्ब करके नीले रंग को दर्शाता है, इसलिए ये प्लेनेट नीला दिखाई देता है। आखिर में दोस्तों सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण की बात करें तो ये भी एक गैसीय प्लेनेट है और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह इसके पास भी अपने रिंग्स हैं, लेकिन ये छल्ले काफी पतले और धुंधले हैं, इसलिए इन्हें देख पाना मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद हैं और इस ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह नहीं है।
गैस और बर्फीले बादलों से बने इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती हैं। यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी के आकार से करीब 4 गुना और वजन 17 गुना भारी है। नेपच्यून के पास 13 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मून ट्राइटन है, जिसे साल 1846 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम लेसल ने खोजा था। तो दोस्तों, अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो क्या आप पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे या नहीं, और इन 8 ग्रहों में से आपको सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ जानकारी से भरपूर ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।